नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा क्रिएशन। मेरा ये वीडियो एक ट्रांजिट बेस्ड वीडियो है जो जुपिटर के ट्रांजिट पर आधारित है। कल ही 20 नवंबर 2021 को जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवन में चार मुख्य कर्म होते हैं, जिसमें संतान के जन्म के बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है उसका शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसका किसी व्यवसाय में संलग्न होना या नौकरी करना। जब व्यवसाय या नौकरी मिल जाती है तो सबसे जो मेन काम, जो मुख्य काम होता है किसी भी युवा या युवती के जीवन में, वो होता है विवाह का होना। विवाह के पश्चात संतान का जन्म होना। ये मुख्य चार कार्य प्रत्येक के जीवन में गुरु के द्वारा ही गवर्न्ड होते हैं। बाकी जीवन में अनेक काम होते हैं जो साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं, लेकिन इन चारों कामों के ही ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है और इन चारों ही कामों के लिए कुंडली में या हमारे जीवन में गुरु का ही महत्व माना जाता है। तो गुरु का ये ट्रांसिट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमूमन गुरु एक ही राशि में 13 महीनों तक विचरण करते हैं। जब भी कोई स्टार इतने लंबे समय तक एक ही जगह एक ही राशि में विचरित होते हैं तो अपने शुभ अशुभ फल अवश्य ही देते हैं। गुरु हालांकि एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में गुरु किस अवस्था में है, किस गोचर में अभी भ्रमण कर रहा है, उसी के अनुसार आपको शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो कल 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:19 पर गुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि, जो उनकी नीचस्थ राशि है, वहाँ से निकलकर सम राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो भी एक साल से, क्योंकि गुरु नीचस्थ में थे तो थोड़े से प्रभावों में कमी दिखाई दे रही थी, कई अशुभ प्रभाव भी दिखाई दे रहे थे, उनमें सभी राशियों को बहुत ही अच्छे इस वर्ष संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु अब अपनी सम राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे ही वर्ष गुरु अग्रगामी भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक गुरु का यही भ्रमण रहेगा। तो जो हमारे जितने भी प्रत्येक राशि के जो भी प्रेडिक्शंस होंगे वो 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होके मीन राशि में चले जाएंगे। तो अप्रैल में मैं आपको अलग से सभी राशियों का क्या फलादेश होगा वीडियो आपसे शेयर करूँगी। 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। सबसे पहला जो नक्षत्र होगा 20 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक का जो समय होगा वो होगा कनिष्ठा नक्षत्र का समय, वो उसी में गोचर करेंगे और कनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। तो गुरु व मंगल में वित्तता होने के कारण सभी राशि के सभी लोगों को अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। 2 जनवरी से 2 मार्च तक का समय शतभिषा नक्षत्र का होगा और शतभिषा नक्षत्र राहु द्वारा गवर्न्ड है, तो राहु और गुरु में मित्रता न होने के कारण वह समय एक मानसिक तनाव का कारण सभी राशियों के लिए बन सकता है। इसके बाद 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल का समय होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण का, और वह स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है तो वहाँ पर भी बहुत ही अधिक शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। सभी फलादेश चंद्र राशि पर आधारित होंगे या लग्न राशि पर आधारित होंगे। आप अपनी कुंडली में अपना लग्न देख सकते हैं व चंद्र राशि के आधार पर अपनी राशि को जान सकते हैं। बात करेंगे राशि चक्र की अगली राशि कर्क राशि। गुरु आपकी राशि के 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर 8th भाव में विराजमान होंगे, वहां से गोचर करेंगे। 6th हाउस जैसे कि हम जानते हैं रोग ऋण शत्रु का घर है, वही 9th हाउस भाग्य का घर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक मिक्स्ड बैग ही आप सबके लिए साबित होगा। गुरु आपकी राशि से 8th भाव में गोचर करेगा और जैसा कि हम जानते हैं कि 8th भाव होता है आयु और मृत्यु का भाव, साथ ही गुण विद्याओं का भाव, तंत्र मंत्र का भाव, दर्शन फिलोसॉफी का भाव। तो यहाँ से आपको धर्म कर्म में रुचि होगी, तंत्र मंत्र की ओर आपका रुझान हो सकता है, ज्योतिष में आपकी रुचि हो सकती है, साथ ही क्योंकि ये आयु मृत्यु का भी भाव है तो रेस ड्राइविंग से आपको बचना है, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी चोट या एक्सीडेंट से भी आपको बचाव करना है। ये भाव हमारी कॉमन सेंस
और हमारी खोजी प्रवृत्ति मीन्स हमारी रिसर्च स्किल्स का भी भाव होता है। तो जो लोग भी रिसर्च से संबंधित काम करते हैं उन्हें इस वर्ष बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है बारहवें भाव पर। बारहवां भाव होता है व्यय का भाव और ये व्यय होगा माता, भवन, भूमि, वाहन, कई मांगलिक कार्यों पर, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पर, अनएक्सपेक्टेड बीमारियों पर भी हो सकता है। कुल मिलाकर पूरे ही वर्ष आपका खर्च बहुत अधिक बना रहेगा। आय व खर्च में मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको पूरे ही वर्ष बैलेंस बनाना होगा। ट्रेवल भी आपके बहुत होंगे तो वहाँ पर भी बहुत खर्च होगा, मेहमान भी बहुत बने रहेंगे, कई मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं या आपको कई मांगलिक कार्यों में जाना पड़ सकता है तो वहाँ पर भी आपका खर्च होगा। माता पर खर्च होगा, भूमि पर खर्च हो सकता है, आप कुछ भी किसी भी प्रकार का प्लाट, कोई भी फार्म हाउस, किसी भी फार्म में आप जमीन ले सकते हैं तो वहाँ पर आपका खर्च होगा। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, मीन्स आपका हर जगह एक्सपेंडिचर हो सकता है इस वर्ष। लेकिन वहीं सातवीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है धन भाव पर या लाभ भाव पर, मीन्स जितना आप खर्च करेंगे उतना ही पैसा आपको प्राप्त होता जाएगा। मीन्स आप खर्च तभी कर पाएंगे जब आपको पैसे की भी आवक लगातार बनी रहेगी। तो धन भाव पर जब भी गुरु की दृष्टि होती है तो पूरे ही वर्ष महाधन आगमन के योग बनते रहते हैं। आपको कई ऐसी जहाँ से आपने आशा नहीं की होगी वहाँ से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी अपनी नौकरी या व्यापार से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अचानक धन लाभ का आपको योग बन सकता है। कोई रुका हुआ अगर आपका पैसा है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर धन की दृष्टि से ये वर्ष बैलेंस्ड ही रहेगा, क्योंकि जितना आप धन प्राप्त करेंगे उतना ही आपका धन खर्च भी होता जाएगा। गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है फोर्थ हाउस पर, तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भूमि, भवन, वाहन, ऑफिस, फैक्ट्री आप कुछ भी खरीद सकते हैं तो वहाँ पर भी आपका कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपके असेट्स भी बन जाएंगे। पूरे ही वर्ष बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, न स्ट्रेस लेना है न देना है। आपको बातचीत में सावधानी रखनी है। जिन भी लोगों से आपकी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, आपकी नहीं पड़ती है, तो आप उन्हें कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मनभेद व मतभेद से इस वर्ष अवश्य ही बचकर चले। किसी से भी शत्रुता न रखें, कोई गुप्त शत्रु आपको हानि पहुँचा सकता है। किसी प्रकार के अज्ञात भय, मानसिक चिंता व इल्यूजन्स आपको हो सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप हर कार्य को बहुत ही सोच विचार कर, बहुत अच्छे से एनालाइज कर ही आगे बढ़ें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं या पहले कई दिनों से आपकी कोई फाइल अटकी पड़ी है तो आपको लोन मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जो भी एग्जिस्टिंग लोन है वो भी आपके कम हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग या स्टूडेंट्स के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत वृद्धि होगी, ट्रैवलिंग में आप बहुत खर्चा करेंगे, साथ ही आप ट्रैवलिंग में बहुत एंजॉय भी करेंगे इस वर्ष। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या बिजनेस में कुछ चेंज लाना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं या बिल्कुल ही चेंज किसी अलग प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं तो वह भी इस वर्ष अवश्य ही होगा। जॉब चेंज के आपके पास कई मौके आएंगे जो पिछली जॉब से डेफिनेटली बेटर होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का यह विचरण 70-30 का रेशो लेकर आया है। अगर आप सारे कार्य सोच समझकर करेंगे तो किसी भी प्रकार के नुकसान से आप बच सकते हैं। इसके साथ ही बेहद जरूरी है आप बैड कंपनी से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जो भी आप बोल रहे हैं उसे ध्यान से बोलें और उतना ही ध्यान से सुने तो आप किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मतभेद से बच सकते हैं। उपाय स्वरूप किसी भी मंदिर में 11 बेसन के लड्डू का दान करें गुरुवार के दिन। इसके साथ ही गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर में या अन्य किसी मंदिर में केसर की डब्बी या कलगी का दान करें और साथ ही रोज ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का मंत्र जाप अवश्य ही करें। कर्क राशि के सभी जातकों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही शुभ रहे। इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।